भारत का इसरो पूरे विश्व में बहुत से कारनामे कर चुका है। ऐसे ही भारत का इसरो एक और कारनामा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसे पूरी दुनिया फिर से भारत के कदम चूमेगी। क्या आप जानते हैं भारत के इसरो के नए मिशन गगनयान के बारे में? तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। भारत का नया मिशन गगनयान पहली बार अंतरिक्ष में भारत अपना कदम रखेगा। गगनयान मानव सहित पहला यान होगा जो अंतरिक्ष में जाएगा। दोस्तों, अभी तक जितने भी यान इसरो ने अंतरिक्ष में भेजे थे वो मानव रहित थे, तो ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जो मानव के साथ होगा। इसरो गगनयान मिशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉमर्स का चयन करेगा। इसके लिए हजारों कैंडिडेट्स के बीच कड़े टेस्ट किए जाते हैं। चयन की कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जिन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी उनका चयन होगा। हर कैंडिडेट्स को कई मेडिकल टेस्ट में पास होना पड़ता है, साथ ही में मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होना पड़ता है। इन एस्ट्रोनॉमर्स का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। ये प्रोसेस इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में भारतीय वायुसेना कर रही है। 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, जिनमें से 4 कैंडिडेट को रशिया सिलेक्ट करेगा। इन 4 सिलेक्टेड कैंडिडेट को नवंबर 2019 से 15 महीने की ट्रेनिंग मॉस्को के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में दी जाएगी। ट्रेनिंग समाप्त होने पर वो भारत वापस आएंगे और लॉन्चिंग के पहले की कुछ तैयारी होगी। इसरो अंतरिक्ष यात्रियों की खोज टेस्ट पायलट में से कर रहे हैं। इसरो का मानना है कि बाकी के 3 देशों अमेरिका, रशिया, चाइना ने भी पहले मानव मिशन में टेस्ट पायलट को ही भेजा था, इसलिए उन्होंने भी इस मिशन में इनका चयन किया है। इस मिशन में कोई महिला कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि फिलहाल कोई महिला टेस्ट पायलट नहीं है। खुशी की बात यह है कि 56 ईयर्स ओल्ड VL ललितांबिका 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस लेके गगनयान मिशन की कमांड संभाली है। इस मिशन के बाद इंडिया दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रशिया एंड चाइना मानव सहित मिशन सफल किया है। गगनयान मिशन को 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। इसमें मेन माइक्रोग्रेविटी टेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही में इससे भारत और ताकतवर भी बन जाएगा। गगनयान का डिजाइन HEL और इसरो ने स्पेस कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया है। इसमें 3 लोग ही जा सकते हैं। इसे इको फ्रेंडली रखते हुए बनाया गया है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, एक चालक मॉड्यूल, दूसरा सेवा मॉड्यूल और तीसरा कंट्रोल मॉड्यूल है। गगनयान का कुल वजन 3.7 टन है और लॉन्चिंग के टाइम इसका वेट 7.8 टन हो जाता है। इसकी हाइट 2.7 मीटर है। इसको लॉन्च करने के लिए भारत के खुद के इंजन JSLV MK3 लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग किया है। इस मिशन में सेफ्टी का ध्यान रखते हुए क्रू एस्केप सेफ्टी का भी इंतजाम किया है। खुदा न खास्ता किसी दुर्घटना में अंतरिक्ष यात्री इसका इस्तेमाल करके पृथ्वी पर सेफली पहुंच सकते हैं। गगनयान मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को वॉइड मॉड्स कहेंगे। स्पेस में गगनयान के पहले 2 मानव रहित गगनयान भेजा जाएगा। इन्हें 300 से 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। इस मिशन का टोटल लागत 10,000 करोड़ की है। गगनयान एक पूरी तरह से स्वायत्त 8,200 पाउंड का अंतरिक्ष यान है, जिसे 3 क्रू मेंबर को ऑर्बिट में ले जाने और 7 दिनों बाद अर्थ पर सुरक्षित रूप से लौटाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्पेस कैप्सूल में सभी तरीके के लाइफ सपोर्ट और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स हैं। अंतरिक्षयान के 2 मानव रहित उड़ानों के बाद 2021 के अंत में गगनयान को लॉन्च किया जाना है। ये गगनयान को सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी STSC श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। टेक ऑफ के लगभग 16 मिनट बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 250 माइल दूरी के ऑर्बिट में इंजेक्ट करेगा। अपने मिशन को खत्म करने के बाद कैप्सूल बंगाल की खाड़ी में एक पैराशूट स्प्लैश डाउन के लिए वापस आएगा। इस दौरान पैराशूट स्प्लैश डाउन में कैप्सूल की स्पीड को 216 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 11 मीटर प्रति सेकंड कर देगा। इसका पहला री एंट्री टेस्ट 18 दिसंबर 2014 को किया जा चुका है। इसका दूसरा पैड अबोर्ड टेस्ट 5 जुलाई 2018 को भी किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये था गगनयान मिशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक नॉलेज टीवी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।